आंचल, घूमा घाघरा, चमका चमका गजरा, महका महका गजरा, चला अदाओं का जादू, देखने वालों का दिल हुआ बेकाबू। और हो भी क्यों ना भाई, इतनी हसीनाओं का मेला लगा होगा तो मौसम तो अलबेला होगा ही। और हुस्न का ये मेला लगा जानी मानी डिजाइनर निरुषा के फैशन ब्रांड लॉन्च की शाम पर। जहाँ पहुँच गई टीवी की सभी बहुएं दिखाने अपने हुस्न का जादू। और शाम की सबसे खास बात ये रही कि यहाँ आई ज्यादातर मेहमान नजर आई निरुषा के रंग में ही रंगी हुई, यानी इन्होंने पहनी थी निरुषा के डिजाइन की हुई खास पोशाक। जी हाँ, क्या इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी धैया, क्या शायंतिनी घोष और क्या रिद्धि डोगरा, भाई निरुषा ने सबकी पर्सनालिटीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किए उनके लिए ये खास कॉस्ट्यूम। नीरू ने बिल्कुल दिव्यांका चाय टाइप की ड्रेस बनाई है। ये इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन ड्रेस विद एलिमेंट्स ऑफ वाइट इन इट, एंड फिर कुछ गोटा पत्ती का काम है, और दिस इज टोटली दिव्यांका। तो नीरू ने बस इमेजिन करके कि दिव्यांका को कैसा दिखना चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली मेरे टेस्ट के हिसाब से ड्रेस बनाई है। ये बड़ा ही खूबसूरत सही है, कुछ ऐड किया है पैरेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू निरुषा, बिकॉज वो जो ये कर रही है मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज जो भी मेरे फैंस हैं उन्होंने देखा है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे, मैं कोशिश करती हूँ कुछ इंडियन एलिमेंट्स मेरे लुक में रहे। लुक के बारे में आई लव दिस, दिस इज़ ईजी ब्रीजी, इट्स आप इसे एक यू नो आई थिंक लुक से ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगी निरुषा जो कर रही हैं उसके बारे में। एवरी थिंग दैट यू सी, ऑल द लुक्स दैट आई थिंक ऑल द गर्ल्स आर वेयरिंग इज डिज़ाइन बाय हर। जगमगाती लड़कियाँ, ये झिलमिलाती लड़कियाँ, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। वैसे इस शाम को रोशन करने वाले हर सितारे का अंदाज था अपने आप में बेहद निराला। टीवी की संस्कारी बहू गोपी यानी देबोलीना भट्टाचार्य जी जहाँ नजर आई एकदम वेस्टर्न अंदाज में, तो वहीं सौम्या की सासू माँ प्रीतु और थानेदारनी कविता कौशिक का अंदाज था बिल्कुल देसी। नथिंग, इट्स लाइक अ कैजुअल ड्रेस, और ऑफ कोर्स पहले से मैं थोड़ी बहुत आई फॉलो माय ओन स्टाइल, आई फॉलो लाइक अटायर्स जो मुझे जब मेरा मन होता है जैसा पहनना वैसा ही मैं पहनती हूँ। सो यस, आज की स्टाइल के बारे में यू कैन सी इट्स ऑल ब्लैक, वेयरिंग दिस पम्प्स लाइक न्यूड पम्प्स एंड न्यूड लिप्स एंड दिस स्पार्कल नेल्स, दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। मैंने ऐसा सुना कि कुछ ऐसे चीज़ें वो अभी लॉन्च कर रही हैं, तो ऐसे ओकेजन पे कुछ ऐसा ही पहन के आना चाहिए, तो बस ऐसे ही आ गई हूँ पहन के। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को धोती से प्यार है, ही बस ये मौका देखते हैं कि कभी भी मैं अगर साड़ी पहन रही हूँ तो ही ऑलवेज गेट इनटू अ धोती, है ना? यस। एंड ये एक साड़ी एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, आई रियली लाइक दीज इंडियन कॉटन्स। और ये इन्होंने कुछ पेंट किया है। So I painted माँ दुर्गाज फेस on it. अरे आई वॉज वेटिंग कि मेरी शादी कब हो और मैं कब ये सोला सिंगार करूँ। सो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, जब भी साड़ी पहनती हूँ आई ऑलवेज वेयर द सिंगार। कविता कौशिक का चेन्नई एक्सप्रेस वाला अंदाज तो आपने देख लिया, अब बारी नजर डालने की यहाँ आए दूसरे मेहमानों पर जिनका लुक था काफी इंडो वेस्टर्न स्टाइल। इस बो
मौके पर मालदा वाली जहाँ चला रही थी अपना काला जादू, नीमी नीमी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, तो वही अर्शी खान सफेद कपड़ों में चांदनी बनी नजर आई। ओ नीमी नीमी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख। साज श्रृंगार बहुत पसंद है, मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं बालों से लेकर सब पूरा केश सजा, आज तो कमरबंद नहीं है, नहीं तो वो भी होता, तो मैं जब भी इंडियन पहनती हूँ मौका नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, ट्रेडिशनल लुक है। और आज तक आपने मुझे बड़े 90s में देखा है तो थोड़ा लुक चेंज हो गया और अच्छा लुक दिया उन्होंने मुझे इंडियन में, मुझे ऑफकोर्स हमेशा देखा है एंड आई पर्सनली ऑल्सो थिंक कि मैं इंडियन में सबसे अच्छी लगती हूँ। शी हैज़ कम अप विद अ ग्रेट माइंड, अपनी कल्चर अपनी हेरिटेज को सेव कर रही हैं वो। आज के ज़माने में मतलब बहुत टेक्नोलॉजीज है, सब हैंडक्राफ्ट बहुत कम हो गया है, तो शी हैज़ कम अप विद दिस आइडिया। और ये पूरा कॉटन मैं बोलूँगी दिस इज़ सो बॉडी सूदिंग, सो इट्स फ्रॉम नरुषा मैम, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर एंड आई विश हर गुड लक। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। वैसे इस मौके पर जहाँ लेडीज गैंग ने दिखाया अपना जलवा तो वहीं मुंडे भी अपना देसी टशन दिखाने में पीछे नहीं रहे। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इट्स अ बाइक शेयर कोइंसिडेंस के मैं ये पहना हूँ, बट जो निरुषा कर रही है यहाँ पर कसम से आई थिंक हैट्स ऑफ टू द वुमन। चकमकाती लड़कियाँ, ये झिलमिलाती लड़कियाँ। भाई मानना पड़ेगा फैशन की इस दुनिया में निरुषा का अंदाज है एकदम निराला, और हो भी क्यों ना, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत जो है वो खुद जाकर कारीगरों के साथ क्रिएट करती है यूनिक डिजाइंस। निरुषा ने पर्दे के पीछे की अपनी यही मेहनत दिखाई अपने फैशन ब्रांड लॉन्च के मौके पर यहाँ आए सभी कलाकारों को, और इस शोरील में उनका साथ दिया टीवी की 11 हसीनाओं ने। तो उम्मीद करते हैं कि निरुषा की ये मेहनत रंग लाए और उनके डिजाइन किए हुए कपड़े आपके पसंदीदा सितारों की खूबसूरती को और संवारे और निखारे। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो।